महाराष्ट्र ग्राम पंचायत संगणक लिपिक पिछले 12 सालों से आंदोलन के माध्यम से अपनी मांगें पूरी करवाने की उम्मीद में विधान भवन मोर्चा स्थल नागपुर में मोर्चा लेकर आए हैं। सीधा चलते हैं हमारी प्रतिनिधि वीर सिंह के पास। गढ़ ग्राम पंचायत और ग्राम पंचायत में जो कंप्यूटर एम्प्लॉय होते हैं वो उनकी कुछ मांगे हैं जिसको लेकर के पिछले 2 दिनों से लगातार विधान भवन के इस परिसर में महाराष्ट्र भर से पूरे कार्यकर्ता पूरे एम्प्लॉय यहाँ पे आए हुए हैं। जानेंगे कि क्या इनकी मांगे हैं और किन मांगों पे अभी तक क्या प्रोग्रेस हुआ है, क्या मांगे हैं आप लोगों की जितने भी जो कंप्यूटर अधिकारी है यहाँ पे। हमारी मांगे ये है कि हम गए 12 सालों से ग्राम पंचायत में डाटा एंट्री ऑपरेटर ये पद पे काम कर रहे हैं, उसके बावजूद शासन की महाराष्ट्र शासन की हम पूरी योजनाओं के काम पूरे ऑनलाइन और ऑफलाइन काम हम करते हैं और ग्राम पंचायत से सभी कामकाज हम अपने अच्छे तरह से संभालते हैं। तभी भी हम एक गांव के नागरिक और एक शासन इनका एक महत्वपूर्ण एक दुआ है, एक इनका एक कनेक्शन है और तभी भी हमें अभी तक के महाराष्ट्र शासन ने कोई भी पद्धत मांग कब से चल रही है हमारी मांग जो चल रही है 12 सालों से चल रही है। अच्छा, किस माध्यम से मांगे चल रही है और कैसे, ये पहली बार आप लोग विधानसभा परिसर में आए, इससे पहले भी आ चुके? नहीं, हम हर अधिवेशन जो भी अधिवेशन होता है वो नागपुर से हो या मुंबई से हो, जो भी अधिवेशन होता है वो अधिवेशन में हम हमारा विराट मोर्चा लेके जाके हमारी मांगे उनके सामने रखते हैं, लेकिन उन मांगों के बावजूद उन्होंने अभी तक के कोई भी उनका हल निकाला नहीं और कोई भी हमारी मांगे पूरी की गई नहीं। तो अभी हम कल से ये एक इससे बैठा है कि हमारी जब तक के मांगे अभी पूरी नहीं होंगी तब तक हम यहाँ से हटेंगे नहीं। अभी मांगों के लेकर क्या प्रोग्रेस है, मतलब क्या अभी आपको लगता है कि होने वाला है, कोई आश्वासन मिला है किसी की तरफ से, कोई बातचीत हुई है किसी? हमें एक डिबेट के लिए बुलाए थे, वहाँ पे डेलीगेशन के लिए बुलाए, हम डेलीगेशन के गए लेकिन उस तरीके से बात नहीं हो पाई जिस तरीके से होनी चाहिए। उसके बावजूद वहाँ पे यहाँ पे हमारे कांग्रेस के प्रदेशाध्यक्ष नानाभाई पटोले आके गए हैं, इन्होंने बोला है कि हम असेंबली में जाके आपका मुद्दा वहाँ पे उठा के आपको न्याय आपको न्याय मिले इसके लिए हम वहाँ पे बात करेंगे उसके। और यहाँ पे अभी जयसवाल सर आमदार रामटेक के आकर उन्होंने हमें यहाँ पे आश्वासित किया है कि हम आपकी मांग के बारे में वहाँ पे असेंबली में बात करेंगे और जो भी यहाँ पे भ्रष्टाचार हुआ है वो भ्रष्टाचार दूर करने का और भ्रष्टाचार खुला करने का पूरा प्रयास करेंगे, ऐसा उन्होंने हमें आश्वासित किया है। तो जैसा कि आपने देखा कि रामटेक के विधायक और महाराष्ट्र खनिकर्म के अध्यक्ष आशीष जायसवाल और कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष नाना पटोले ने आश्वासन दिया है कि इनकी मांगों को विधानसभा में इनके मुद्दों को उठाएंगे और बातचीत करने की, इनके लिए न्याय दिलाने की पूरी कोशिश करेंगे। अधिक मोर्चे के लिए आप हमारे साथ बने रहे, देखते रहे वीडियो जर्नलिस्ट अखिलेश भारद्वाज के साथ, मैं वीर सिंह, PCN।